नमस्कार दोस्तों मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्था न्यूज़ आर्यन खान की गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका निभाने वाले और साथ में ही एन के आई विटनेस के पी गोस्वावी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है आप सबको बता दूं कि महाराष्ट्र पुणे पुलिस के द्वारा एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है के पी गोस्वामी गोस्वामी के ऊपर और के पी गोस्वामी को इस टाइम गिरफ्तार कर लिया गया है वो भी फ्रॉड केस में आप सबको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो में के पी गोस्वामी के ख़िलाफ़ में एक केस दर्ज कराया गया था और इस केस में सीधे सीधे उनके ऊपर फ्रॉड का एफआईआर दर्ज कराया गया था जिसमें बोला गया था कि इन्होंने वादा किया था कि ये जॉब दिलाएंगे उस वादे के दम पे इन्होंने पैसे भी लिए थे कुछ लोगों से लेकिन असलियत में ये जो है वो पैसे लेकर भाग गए थे और उनको कोई भी जॉब नहीं दिलाया था जिसके बाद इनके खिलाफ में एक एफ आई आर दर्ज कराई गई लेकिन उसके बावजूद भी 2018 से लेकर 2021 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और अब जब फाइनली कार्रवाई तब की गई जब एन के साथ सॉरी आर्यन खान के साथ में इनकी जो है फ़ोटो पब्लिक के बीच में वायरल हुई उसके बाद इनके खिलाफ में फिर से एफ दर्ज किया गया था और इनके खिलाफ़ में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और अब फाइनली कल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और पुणे पुलिस के द्वारा इनसे जो है पूछताछ चल रही है। है आपका क्या ओपिनियन इस पर? ये सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना कार्रवाई की तो 2018 से पुणे पुलिस क्या कर रही थी अभी सडनली तो तब क्यों गिरफ्तार किया गया पहले तीन साल से कहां पर सो रही थी आपका क्या ओपिनियन है और वीडियो को